नमस्कार, जानकारी के खजाने में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चलते हैं उज्जैन, वहाँ पर काल भैरव के मंदिर, जहाँ पे काल भैरव जी की मूर्ति मदिरा का पान करती है। जानते हैं इस रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी सुना है मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है, बेजान चीज़ों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं। लेकिन यही उज्जैन के काल भैरव मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाममार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा को मदिरा पान भी कराया जाता है। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में इस कड़ी को खंगालने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, पर यह सत्य पाया। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहीं पर एक विशेष मंदिर काल भैरव मंदिर है। यह महाकाल के मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने देखा, मंदिर के मुख्य द्वार पे गए, मूर्ति की पूजा करने के लिए हमने लाइन लगाई। देखते देखते ही भक्तों की बहुत सारी भीड़ बढ़ती चली गई। किसी तरह कैमरे को लेकर के मंदिर तक पहुँचे और वहाँ पे काल भैरव की मूर्ति के लोग दर्शन कर रहे थे। उनकी पूजा की थालियों में फूल, श्रीफल के अलावा मदिरा भी होती थी। सब भक्तों के पूजा के थालियों में तकरीबन मदिरा का होना आवश्यक ही था। वहाँ पे मैंने देखा, भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई एकदम छोटी बोतल में, जिसे देसी कहते हैं, वो लिए, कोई ब्रांडेड, और कोई कोई भक्त ऐसे भी थे जो उन्होंने बहुत ही काफ़ी महंगी शराब ले रखी थी। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मदिरा लेते थे और काल भैरव जी को चढ़ाते थे। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं और रोमांचक बातें हैं कि हाँ, बंदर भी बहुत हैं, बड़े वाले लंगूर, इनका भी रोमांच यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो शराब हम चढ़ाते हैं या लेकर जाते हैं, उसे पुजारी जी खोलते हैं और उसको एक प्लेट में थोड़ा सा रखते हैं और काल भैरव जी की प्रतिमा के मुंह पे लगा देते हैं। देखते ही देखते वह शराब खाली हो जाती है और भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। बहुत सारे जानकार व्यक्ति आए हैं इस रहस्य को खोजने के लिए कि यह शराब जाती कहाँ है, लेकिन आज तक किसी ने इसका पता नहीं लगा पाया। यह प्रथा कब से है किसी को कुछ ज्ञात नहीं। यहाँ पे एक के बाद एक भक्त आते हैं और मूर्ति को मदिरा पान कराते हैं, लेकिन आसपास में मदिरा की कहीं एक बूंद नजर नहीं आती थी। सब मदिरा को मूर्ति पी जाती थी और वह मदिरा काल भैरव ही पीते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक बाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। बाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं।
प्राचीन समय में यहाँ पे सिर्फ तांत्रिकों का ही आना होता था या वह उनको ही अनुमति होती थी। वे यहाँ के तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और कुछ ही विशेष अवसर पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। अब के समय में यह मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन काल भैरव महाराज तो भोग अभी भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पे जितने भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं उन्हें भोग जरूर लगाते हैं, और यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो कुछ मंत्र के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा पान कराते हैं और वह खुशी से स्वीकार भी करते हैं। कहते हैं यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत सारे लोगों ने मदिरा पान के पीछे लंबी चौड़ी बहस कर चुके हैं। जो पीढ़ियों से इसकी सेवा, मंदिर की सेवा करने वाले जो महाराज हैं, उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मदिरा की खांसी बहुत अच्छी तरह से जांच कराई थी, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। उसके आसपास प्रतिमा के आसपास जो मूर्ति है उसके आसपास भी उसने खुदवाई करवाई, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। बाद में वह भी काल भैरव का भक्त बन गया। यहाँ देसी मदिरा को वाइन लोग बोलने लगे उसके बाद से, जो आज तक जारी है। मंदिर के आसपास बैठने के बाद, वहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद पूरा यकीन हो गया कि जहाँ आस्था होती है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। काल भैरव को मदिरा पिलाने का जो सिलसिला है वह सदियों से चला आ रहा है। कब, कैसे और क्यों हुआ यह कोई नहीं जानता। आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वह खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते थे कि एक तांत्रिक मंदिर है जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। लेकिन अब बलि बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है, और यहाँ के प्रशासन ने भी इसे मंजूरी दे रखी है। कुछ खास अवसर पे प्रशासन के द्वारा भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही उग्र और तेजस्वी रूप है। ब्रह्मा का पांचवा शीश खंडन काल भैरव ने ही किया था। इन्हें काशी का कोतवाल भी माना जाता है। इनकी साधना से भय का विनाश होता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि चार वेदों के विद्वान भगवान ब्रह्मा जी ने जब पांचवें वेद की रचना करने का फैसला किया तो भगवान शिव के मना करने पर भी ब्रह्मा जी नहीं माने, और शिव के क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुली और भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई। भैरवनाथ ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया। ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें उज्जैन नदी के तट पर तपस्या करने के लिए कहा, तभी इस पाप से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही यहाँ पर भैरव देव की पूजा अर्चना की जाने लगी। सबसे बड़ी बात यह मानी जाती है यहाँ पे कि यहाँ मांगी गई भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, और यहाँ पे भक्तों की बहुत ही भीड़ लगी रहती है। इनकी पूजा का खास समय 12 बजे से 3 बजे तक माना जाता है, वो भी रात के, और यह भगवान शिव के गढ़ माने जाते हैं। यदि आप उज्जैन जाएं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ भैरव जी के दर्शन जरूर करें, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। धन्यवाद।